नीतीश कुमार छपरा के मढौरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसके साथ ही अमनौर प्रखंड में हरनारायण और अमर पंचायत में कई योजनाओं का सीएम ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री सुमित सिंह, विजय चौधरी और स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूड़ी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा के मढौरा और अमनौर में दौरा किए और इस दौरान उन्होंने मढौरा पॉलिटेक्निक में बने 300 बेडों के दो यूनिट छात्रावासों का उद्घाटन भी किए। इसके साथ कई जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन किए। उसके साथ साथ अमनौर पहुंचे और जहां पे अपहर पंचायत में कई जो योजनाएं थी बिहार सरकार की जो धरातल पे संचालित थी उनका निरीक्षण किया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह जगह है जहाँ पे सभी विभागों के जो है वो इंस्टॉल लगाए हुए थे, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने जगह जगह घूम के सभी विभागों के इंस्टॉलों पे निरीक्षण किया। कई जो दिव्यांग जन हैं उनको जो बाइसिकल है वो दिया गया और साथ ही साथ आप तमाम विभागों के जो है स्टॉल लगाए गए उन सभी का निरीक्षण किया। जीविका हो या फिर परिवहन विभाग हो, सभी विभागों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली के तहत जो यह पोखरा का निर्माण किया गया है उसका भी निरीक्षण किए और निरीक्षण के पश्चात वो पुनः पटना के लिए लौट गए। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा के मढौरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसके साथ ही अमनौर प्रखंड में हरनारायण और अमर पंचायत में कई योजनाओं का सीएम ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री सुमित सिंह, विजय चौधरी और स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूड़ी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा के मढौरा और अमनौर में दौरा किए और इस दौरान उन्होंने मढौरा पॉलिटेक्निक में बने 300 बेडों के दो यूनिट छात्रावासों का उद्घाटन भी किए। इसके साथ कई जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन किए। उसके साथ साथ अमनौर पहुंचे और जहां पे अपहर पंचायत में कई जो योजनाएं थी बिहार सरकार की जो धरातल पे संचालित थी उनका निरीक्षण किया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह जगह है जहाँ पे सभी विभागों के जो है वो इंस्टॉल लगाए हुए थे, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने जगह जगह घूम के सभी विभागों के इंस्टॉलों पे निरीक्षण किया। कई जो दिव्यांग जन हैं उनको जो बाइसिकल है वो दिया गया और साथ ही साथ आप तमाम विभागों के जो है स्टॉल लगाए गए उन सभी का निरीक्षण किया। जीविका हो या फिर परिवहन विभाग हो, सभी विभागों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली के तहत जो यह पोखरा का निर्माण किया गया है उसका भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के पश्चात वो पुनः पटना के लिए लौट गए। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा के मढौरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसके साथ ही अमनौर प्रखंड में हरनारायण और अमर पंचायत में कई योजनाओं का सीएम ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री सुमित सिंह, विजय चौधरी और स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूड़ी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा के मढौरा और अमनौर में दौरा किए और इस दौरान उन्होंने मढौरा पॉलिटेक्निक में बने 300 बेडों के दो यूनिट छात्रावासों का उद्घाटन भी किए। इसके साथ कई जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन किए। उसके साथ साथ अमनौर पहुंचे और जहां पे अपहर पंचायत में कई जो योजनाएं थी बिहार सरकार की जो धरातल पे संचालित थी उनका निरीक्षण किया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह जगह है जहाँ पे सभी विभागों के जो है वो इंस्टॉल लगाए हुए थे, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने जगह जगह घूम के सभी विभागों के इंस्टॉलों पे निरीक्षण किया। कई जो दिव्यांग जन हैं उनको जो बाइसिकल है वो दिया गया और साथ ही साथ आप तमाम विभागों के जो है स्टॉल लगाए गए उन सभी का निरीक्षण किया। जीविका हो या फिर परिवहन विभाग हो, सभी विभागों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली के तहत जो यह पोखरा का निर्माण किया गया है उसका भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के पश्चात वो पुनः। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा के मढौरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसके साथ ही अमनौर प्रखंड में हरनारायण और अमर पंचायत में कई योजनाओं का सीएम ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री सुमित सिंह, विजय चौधरी और स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूड़ी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा के मढौरा और अमनौर में दौरा किए और इस दौरान उन्होंने मढौरा पॉलिटेक्निक में बने
300 बेडों के दो यूनिट छात्रावासों का उद्घाटन भी किए। इसके साथ कई जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन किए। उसके साथ साथ अमनौर पहुंचे और जहां पे अपहर पंचायत में कई जो योजनाएं थी बिहार सरकार की जो धरातल पे संचालित थी उनका निरीक्षण किया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह जगह है जहाँ पे सभी विभागों के जो है वो इंस्टॉल लगाए हुए थे, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने जगह जगह घूम के सभी विभागों के इंस्टॉलों पे निरीक्षण किया। कई जो दिव्यांग जन हैं उनको जो बाइसिकल है वो दिया गया और साथ ही साथ आप तमाम विभागों के जो है स्टॉल लगाए गए उन सभी का निरीक्षण किया। जीविका हो या फिर परिवहन विभाग हो, सभी विभागों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली के तहत जो यह पोखरा का निर्माण किया गया है उसका भी निरीक्षण किए। और निरीक्षण के पश्चात वो पुनः पटना के लिए लौट गए। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा के मढौरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसके साथ ही अमनौर प्रखंड में हरनारायण और अमर पंचायत में कई योजनाओं का सीएम ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री सुमित सिंह, विजय चौधरी और स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूड़ी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा के मढौरा और अमनौर में दौरा किए और इस दौरान उन्होंने मढौरा पॉलिटेक्निक में बने 300 बेडों के दो यूनिट छात्रावासों का उद्घाटन भी किए। इसके साथ कई जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन किए। उसके साथ साथ अमनौर पहुंचे और जहां पे अपहर पंचायत में कई जो योजनाएं थी बिहार सरकार की जो धरातल पे संचालित थी उनका निरीक्षण किया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह जगह है जहाँ पे सभी विभागों के जो है वो इंस्टॉल लगाए हुए थे, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने जगह जगह घूम के सभी विभागों के इंस्टॉलों पे निरीक्षण किया। कई जो दिव्यांग जन हैं उनको जो बाइसिकल है वो दिया गया और साथ ही साथ आप तमाम विभागों के जो है स्टॉल लगाए गए उन सभी का निरीक्षण किया। जीविका हो या फिर परिवहन विभाग हो, सभी विभागों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली के तहत जो यह पोखरा का निर्माण किया गया है उसका भी निरीक्षण किए। और निरीक्षण के पश्चात वो पुनः पटना के लिए लौट गए। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा के मढौरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसके साथ ही अमनौर प्रखंड में हरनारायण और अमर पंचायत में कई योजनाओं का सीएम ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री सुमित सिंह, विजय चौधरी और स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूड़ी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा के मढौरा और अमनौर में दौरा किए और इस दौरान उन्होंने मढौरा पॉलिटेक्निक में बने 300 बेडों के दो यूनिट छात्रावासों का उद्घाटन भी किए। इसके साथ कई जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन किए। उसके साथ साथ अमनौर पहुंचे और जहां पे अपहर पंचायत में कई जो योजनाएं थी बिहार सरकार की जो धरातल पे संचालित थी उनका निरीक्षण किया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह जगह है जहाँ पे सभी विभागों के जो है वो इंस्टॉल लगाए हुए थे, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने जगह जगह घूम के सभी विभागों के इंस्टॉलों पे निरीक्षण किया। कई जो दिव्यांग जन हैं उनको जो बाइसिकल है वो दिया गया और साथ ही साथ आप तमाम विभागों के जो है स्टॉल लगाए गए उन सभी का निरीक्षण किया। जीविका हो या फिर परिवहन विभाग हो, सभी विभागों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली के तहत जो यह पोखरा का निर्माण किया गया है उसका भी निरीक्षण किए। और निरीक्षण के पश्चात वो पुनः पटना के लिए लौट गए। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा।